हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दोस्तों लीब्रा राइटर में कुछ शॉर्टकट कीज के बारे में। और ये रिक्वेस्ट हमारे फ्रेंड हैं, इन्होंने की है कि लीब्रा राइटर में कुछ शॉर्टकट की के बारे में भी बताइए। अभी अभी उनका कॉल आया था मेरे को, तो चलिए ये जानते हैं कि लीब्रा राइटर में शॉर्टकट की कैसे कैसे यूज करते हैं और कौन कौन सी शॉर्टकट कीज होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहां पर नंबरिंग जो होती है, जो ऑटोमेटिक नंबरिंग आती है, नंबरिंग, तो नंबरिंग को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है कि यहां पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली आने लगे। ठीक है, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जो नंबरिंग के लिए जो शॉर्टकट की बनी हुई है वो होती है F12। अगर आप डायरेक्टली यहां से कीबोर्ड से फंक्शन बटन F12 प्रेस करते हैं तो यहां नंबरिंग आ गई है। अब यहां पे आप जो भी लिखना है लिखिए, अब जैसे इंटर करेंगे तो नंबर 2 आ जाएगा, फिर इंटर कीजिए फिर नंबर 3 आ जाएगा, ऐसे करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया F12। ठीक है, अगर आप फॉर्मूला बार लेके आना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना होगा F2। F2 जैसे प्रेस करेंगे तो यहां देख सकते हैं आप फॉर्मूला बार आ गया है, यहां इक्वल टू का साइन आ गया है, इस तरीके से आप फॉर्मूला बार तक पहुंच सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर कोई फील्ड आप इंसर्ट कराना चाहते हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, कंट्रोल के साथ F2 दबाओगे, कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करोगे तो कोई फील्ड आप इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं यहां पर करके आपको दिखाता हूं, ये देखिए कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूं F2 तो कोई भी फील्ड आप इंसर्ट करा सकते हो। इसके बाद बात करेंगे आगे, ये देखिए ये जो फील्ड है वो आ गया है। अभी पहले इसको देख लेते हैं, जैसे डेट है, ठीक है, अगर आप डेट इंसर्ट कराना चाहते हो या चैप्टर, या खासतौर पे जब किताबें वगैरह छापने का काम किया जाता है, बुक्स पब्लिश की करी जाती है या लिखी जाती है, तो उस समय इन सब की जरूरत हमें पड़ती है। टेम्पलेट लेना चाहते हैं आप तो यहां से टेम्पलेट ले सकते हैं। ठीक है, डेट लेना चाहते हैं तो यहाँ डेट का फॉर्मेट बहुत सारा मौजूद है, आप ले सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट यहां से उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम इसको इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने 2-3 शॉर्टकट की देखी, अब अगली शॉर्टकट की बारी है। तो अब यहां पर अगर हम नेविगेटर को ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शॉर्टकट की होती है, जो होती है F5। नेविगेटर के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, F5। जैसे ही F5 डाली प्रेस कीजिएगा तो ये नेविगेटर ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखिए बहुत सारी चीजें आपको दिखाई पड़ रही है। अब यहां पे देख सकते हैं आप, हेडिंग है, टेबल्स है, टेक्स्ट फ्रेम है, OLE ऑब्जेक्ट है। ये OLE ऑब्जेक्ट आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें आपको मिलता था, तो यहां से ये इंसर्ट करा सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक की। तो मैं यहां लिखता हूं हेलो, कर देते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए नेम की स्पेलिंग गलत है, तो यहां नीचे कौन सी लाइन आ रही है, रेड लाइन आ रही है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो जिसको भी आप चेक करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए और F7 प्रेस कीजिएगा तो ये वाला बॉक्स एक ओपन हो जाएगा, जिसे हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक वाला बॉक्स कहते हैं। और यही सेम तरीका आप MS वर्ड में भी यूज करते हैं, तो यहां से ये बॉक्स ओपन होगा। अगर ये मीनिंग सही है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको जो लीब्रा राइटर है वो दिखा रहा है कि ये सारी मीनिंग्स हो सकती हैं, नेमलेस नेमस हो सकता है या नेम हो सकता है, ये सजेस्ट कर रहा है आपको कि ये सारी मीनिंग भी हो सकती हैं। आप देख लीजिए, अगर इनमें से कोई मीनिंग मिलती जुलती हो तो आप यहां से करेक्ट कर ले, तो यहां से आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। ठीक है, और यहां से क्लोज कर लीजिए। तो ये एक शॉर्टकट की है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने की। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे हम अगले शॉर्टकट की, और वो है थियोसरस चेकिंग। थियोसरस कैसे चेक करते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां पर लिखता हूं एंग्री, ANGRY। ठीक है, एंग्री का मतलब होता है नाराज। ठीक है, और थियोसरस चेक करना है अगर हमें तो इसका मतलब होता है कि सिमिलर मीनिंग्स। ठीक है, तो यहां पर आपको कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करना है, कंट्रोल के साथ फंक्शन बटन F7 प्रेस करिएगा तो इससे मिलते जुलते थिसोरस आ जाएंगे। अब एंग्री, एंग्री से रिलेटेड सिमिलर मीनिंग आ रहा है यहां पे, देखिए एग्रावेटेड है, प्रोवोक्ड है, प्रोवोक्ड मैंने होता है भड़काना। ठीक है, एंगर्ड है, एनरेज्ड है, एनरेज्ड का मतलब होता है और ज्यादा भड़काना किसी चीज को, फ्यूरियस का मतलब होता है भयानक, तो इससे मिलते जुलते मीनिंग आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आप कंट्रोल के साथ F7 प्रेस करके ये चीजें इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं यहां लिखता हूं फैन, ठीक है, फैन का मतलब होता है पंखा, और यहां पे इसको मैं पूरा सेलेक्ट कर लेता हूं। अब इस पे डबल अंडरलाइन हमें लगानी है, तो डबल अंडरलाइन लगाने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है,
तो उसके बारे में चलिए आपको बता देता हूं। डबल अंडरलाइन अगर आपको करना है तो आप CTRL के साथ D प्रेस कीजिए, तो यहां पे डबल अंडरलाइन लग जाएगी। देखिए ये डबल अंडरलाइन आ चुकी है, आप देख सकते हैं, यानी कंट्रोल के साथ आपको D बटन प्रेस करना है तो यहां पे हो जाएगी डबल अंडरलाइन। तो उम्मीद करता हूं कि बात ये समझ में आ रही होगी आपके कि इसको कैसे करना है। आप देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूं, बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिखाई पड़े, ठीक है। एक तो शॉर्टकट की मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपको टेक्स्ट को बड़ा या छोटा करना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ जो क्लोज पैरेंथेसिस होता है, बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, वो आपको प्रेस करना है और ये बड़ा होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको छोटा करना है तो ओपन वाला पैरेंथेसिस आप प्रेस कीजिए कंट्रोल के साथ, तो ये छोटा होता जाएगा। तो इस तरीके से करके आप इसको कर सकते हैं। चलिए, अंडो करने के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, एक स्टेप पीछे जाना अंडो कहलाता है, पहले ये आपको बता देता हूं। अब यहां पे मैं लिखता हूं हैन, ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं ये भी डबल अंडरलाइन होकर आ रहा है। अब एक स्टेप पीछे जाना है तो कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करिए, सेम वही शॉर्टकट की है, कंट्रोल के साथ जेड प्रेस करने से एक स्टेप पीछे चले जाएंगे आप, और कंट्रोल के साथ वाई प्रेस करेंगे तो एक स्टेप आगे आ जाएंगे। तो ये अंडो है और आगे आना रेडो कहलाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर बता देता हूं। जैसे सपोज कीजिए यहां पर आपको लिखना है एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहां स्क्वायर लिखते हैं तो ये इस तरीके से आ जाता है। अभी हम स्क्वायर लिखने की शॉर्टकट की मैं आपको बताता हूं, कंट्रोल्स, तो कंट्रोल शिफ्ट और पी प्रेस करेंगे तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये ऊपर लिखना शुरू हो जाएगा। अब इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ वापिस पी प्रेस करेंगे तो फिर ये नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगा। देखिए यहां पर देख सकते हैं आप, ये नॉर्मल पोजिशन में आ चुका है। अब यहां पर कुछ मैं लिख रहा हूं तो ये नीचे लिख रहा है। चलिए अब इसके नीचे आ जाते हैं, यहां पे अब सुपर स्क्रिप्ट हमने देख लिया, अब सब स्क्रिप्ट की बात करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ पी प्रेस किया हमने, अब कंट्रोल शिफ्ट के साथ बी प्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बी, तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो हम यहां नीचे लिख पाएंगे, तो इसे हम सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। ये दोनों शॉर्टकट कीज अलग हैं, आप एमएस वर्ड की बात करें तो वहां से ये दोनों शॉर्टकट की अलग हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगले शॉर्टकट की के बारे में, यानी कि आपको राइट साइड में जाना होगा और वहां से कंट्रोल शिफ्ट और माइनस बटन प्रेस करिए, तो माइनस वाला बटन आप न्यूमेरिक की से प्रेस करिए, तो देख सकते हैं कि ये लाइन बनती जा रही है और ये नॉन ब्रेकिंग लाइन है, ये आप गैप नहीं दे रहा है बीच में, ठीक है। तो यहां से देख सकते हैं सेम वे में ये आ रहा है, ठीक है। इसके बाद अब अगला बात कर लेते हैं कि अगर आप बिना, देखिएगा यहां पर हम है और कंट्रोल के साथ अप एरो की प्रेस करना है हमें, तो जैसे ही अप एरो की प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो पैराग्राफ है हमारा वो यहां से स्टार्ट होता है और इसकी बिगनिंग में हम आ चुके हैं।